दिखाओ, ये देखो जी, चलो चलो तार तो लगाए नहीं, चल चलेगी, देखो जी अड़ जा भाई, ये देख लो, लैग नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल बेहतरीन, ये देख लो पूरी फुल घूम रही है, देख रहे हो, ये देख लो बिल्कुल कितनी बेहतरीन लग रही है चलती हुई भी, बिल्कुल आवाज नहीं है जी मशीन में, बिल्कुल बेहतरीन। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शानदार वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किसानों के लिए चारा काटने की मशीन। ये देख लो जी, किसान भाई आए हैं, चारा मशीन यहाँ सही भी होती है और मिलती भी है जी, ये देख लो, ठीक है, और यहाँ एक से एक बेहतरीन चारा मशीन आपको मिलेगी। आज की इस वीडियो में जैसे कि हम सब जानते हैं भाई, अब चारे का सीजन स्टार्ट हो गया है, कुट्टी मशीन बिकनी स्टार्ट हो जाएगी, एक से एक बेहतरीन मॉडल दिखाएंगे आपको, ये हो और चला के भी दिखाएंगे, ठीक है जी। और ये देख लो, आपको कुट्टी मशीन तो मिलेगी ही, साथ में आपको कुछ भी चाहिए, आप बोलते हैं ना भाई कुट्टी मशीन तो विकास में मिल जाती है, फिर बाद में स्पेयर पार्ट नहीं मिलते, बुत ले लो, ठीक है जी, कुछ भी ले लो, ये देख लो चक्री चाल चक्री सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, चलिए आपकी बात करवा देते हैं मालिक साहब से। कौन कौन सी मशीन दिखा रहे हो हमें? हमारे पास ये ज्वाला टोका है जी। ये ज्वाला टोका, ये इंजन से भी चलेगी, मोटर से भी चलेगी, ट्रैक्टर से भी चलेगी, इंजन से मोटर से। हाँ जी। अच्छा, कम से कम कितने पशुओं के लिए है ये? कम से कम 10 पशु के लिए। 10 पशु के लिए। एक घंटे में क्या आउटपुट है इसका? एक घंटे में करीब करीब काट देगी जी ये डेढ़ क्विंटल जी। डेढ़ क्विंटल, साढ़े अठारह हजार की है जी। साढ़े अठारह हजार की। वजन कितना है भाई साहब? वजन इसमें 130 किलो जी। अच्छा, बिना मोटर के 18,500? बिना मोटर के। ये बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हो, ये भी यही है? ये तीन रूले की है जी, ये बड़ी मशीन है, 50 पशुओं के लिए है। तीन रूला मतलब? अच्छा, तीन बेलन हो जी इसके अंदर। तीन बेलन देख लो भाई, तीन बेलन में बता देता हूँ, ये चारा ज्यादा काटती है, ये देख लो इसमें तीन बेलन है, एक दो तीन, बेलन का फायदा है, धक धक काटेगी, ये घंटे में एक टन माल काट देगी, ये घंटे में एक टन। हाँ जी। इसकी क्या कीमत है जी? ये है जी 19,500 रुपये। 19,500। वजन की अगर बात करूँ? वजन डेढ़ क्विंटल। डेढ़ क्विंटल। अच्छा, ये मशीन लोहे में है डेगचून में? ये डेगचून में है जी। डेगचून तो बेकार होता है, लोहे की मशीन बढ़िया हो? लोहा बढ़िया नहीं होता डेगचून का, अगर कोई पुर्जा टूट गया तो ये दोबारा डाल के चालू कर सको, लोहे में अगर कोई चीज एंटा आ गया या मुड़ गया वो कुपड़े में जा गए, लोग आग बन गया, लोहे की मशीन बढ़िया, मार मार के दिखा। वो अपनी अपनी सोच है, इसका हमें पता है तो हम ही इसके बारे में जानकारी। तो किसानों को मशीन डेगचून की लेनी चाहिए? डेगचून की लेनी चाहिए। 65 साल का? 65 साल हो लिया आपको? 48 बुझे हो लिया, मेरे पिताजी की लाइन है और लंबी। अच्छा। हाँ जी, 65 साल का बिजनेस है। नहीं, गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे, लोहा लोहा गलता है, एंटा खाता है, लोहा गलेगा बारिश में, एंटा खावागा। चक्कर भी डेग चू, पूरी मशीन डेग चू, वो लोहा है जी, स्टील नहीं है, अंग्रेजी में स्टील कहते हैं, हिंदी में लोहा कहते हैं, वो भी हाँ वो भी लोहा ही है। इसके बारे में बताइए सर। एक ये है जी, इस पर 2 HP की मोटर है जी। हाँ। और ये 5-6 पशुओं के लिए, मतलब ये सस्ती है थोड़ी? सस्ती है जी। ये कितनी पड़ेगी बिना मोटर के? रेट बिना मोटर के ये 11,000 की है जी। ये 11,000 की है। चलो बहुत बढ़िया, ये भी डेग चून में। अब सबसे बढ़िया सुंदर मशीन लग रही है आपके यहाँ खड़ी हुई है, ये तो सबसे लोहा लाट चीज है जो हमने चला के भी देखा, ये तो सबसे लोहा लाट चीज बेहतरीन मशीन है, और सबसे बड़ी बात ये आजकल यही चल रही है जी, यही चलती है, ये थोड़ी जगह के लिए सबसे बढ़िया सौदा है जी। हाँ, थोड़ी जगह में आ जाती है भाई, और सुंदर भी लगती है, हमने आपको शुरू में वीडियो में चला के भी दिखाई, इसके बारे में डिटेल से बताओ जी। ये भाई साहब, एक तो इसमें 3 HP की मोटर लगेगी जी। 3 HP की लगेगी इसमें? हाँ जी, 3 HP की। अच्छा, और इस पर ऑयल तेल का कवर भी है। हाँ। और जी ये जो है, ये जो है अपना पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जलंधर की मशीन बनी हुई है, वहाँ से अच्छी मशीन किसी कहीं की भी नहीं आती। अच्छा। और ये ज्वाला टोका है। अच्छा, नंबर 1। वजन कितना है इसका बिना मोटर? बिना मोटर के 110 किलो वजन है। 18,500 कितने की है भाई साहब? 18,500 की है जी। 18,500 की। ट्रांसपोर्ट ब्रांसपोर्ट सब इसी में जी। चलो बहुत बढ़िया, और बस दिखाओ, ये भी मिल जाएंगे सब? हाँ जी, ये ऊपर के मुंह है जी मशीन के। अच्छा, ये कितने का है जी तारा वालों का? ये 4,500 रुपए का है जी। 4,500 रुपए का। ये किलो के हिसाब में मिल जाने? नहीं जी, ये नग के हिसाब से आता है, 4,500 का मिल जाएगा। और बताओ। एक ही रखा जी। अच्छा, ये 6,500 का है जी, ज्वाला टोका का, जिसको स्टील बोलते हैं, ये वही चीज है, स्टील वाला। हाँ, जिसको 6,500 का। और बताओ। एक ही है जी, चौधरी टोका। ये चौधरी टोका है, बहुत गोल वाला है। कितने का ये? 6,000 का है जी। ये 6,000 का। अच्छा, और बताओ जी। एक
बिल्कुल लोहाता है जी वो, ये बिल्कुल लोहा है जी चौधरी स्टील। हाँ, कितने का ये है जी? 5300 का। 5300। और ये डेकचून वाला? ये डेकचून वाला भाई साहब 6500 का है जी, बॉक्स वाला। डेकचून महंगा आता है? हाँ जी डेकचून महंगा है। अच्छा जी, वो घेरे वो उधर चलो ना जी, अभी तो बहुत सामान दिखाना आपका। ये घेरे कितने कितने के मिल जाएंगे? ये घेरा भाई साहब ये कोई 1850 का है, ये वजन के हिसाब से है, कोई 1850, कोई 2000 का, कोई 2200 का। अच्छा अच्छा। और इसमें बेल्ट वाला भी है जी, इसमें बेल्ट वाला भी 2300 रुपए का घेरा है जी। अच्छा। और 1800 का भी घेरा है जी बेल्ट वाला। ये बेल्ट वाला देख लो, ये बेल्ट वाला घेरा कितने का जी? ये 1850 का है जी हल्का। ये भारी वाला है जी, ये 2050 का है जी भारी वाला। ये 2050 का। हाँ जी। ये चाल चक्री, ये चाल चक्री है, ये तो किलो के हिसाब से नहीं है? नहीं, ये भी नग के हिसाब से मिलती है, लेकिन ये मिलती है मशीन के साइज के हिसाब से। मशीन के साइज के हिसाब जी। बहुत बढ़िया जी, ये देख लो जी। एक हमारी है जी चौधरी टोका, बिना मोटर के ये मशीन है जी, 12500 रुपये। 12500। हाँ जी, चौधरी टोका। इसमें कितना वजन है जी? ये भाई साहब इसमें वजन है जी 80 किलो। 80 किलो। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर यहाँ कोई आना चाहते हैं एड्रेस बता दो अपना। ये हमारी जो शॉप है, दुकान है जी, ये वर्मा मार्केट के सामने हनुमान रोड के ऊपर है जी, और हमारा बिजनेस 60 से 65 साल के करीब हो चुका है। 65 साल हो लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद।